हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं फिर एक बार आया हूँ आप लोग के सामने, और मैं आज जा रहा हूँ अमृतसर। यहाँ मेरा सफ़र ट्रेन से होगा और मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं ट्रेन पर बैठ चुका हूँ, तो मेरे साथ आप लोग बने रहे। चले चले रामेश्वरम में, यानी कि रामेश्वर मंदिर है, वहाँ पे रामनाथपुरम में स्थित है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पे जो श्री राम ने स्थापित किए थे, तो उसके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे सफर में आप लोग भी बने रहे। रात का समय है, मेरा ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से, बस मैं पहुँच जाऊँगा। अब मैं मदुरई पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये स्टेशन है ये बोर्ड मदुरई की, और मदुरई से मेरा दूसरा ट्रेन रहेगा रामेश्वर के लिए, और मदुरई से फिर मेरा रामेश्वर के लिए रहेगा दूसरा ट्रेन। लेकिन रामेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, पहले मैं जाऊंगा मांडपम, फिर वहां से बस पकड़ के रामेश्वरम जाना होगा। पहले डायरेक्ट ट्रेन चलती थी रामेश्वरम के लिए, लेकिन अभी पुल का निर्माण कार्य चलने वाला है, इसीलिए वो ट्रेन अभी बंद है। तो दोस्तों ये लीजिए, मैं पहुंच चुका हूं मांडपम प्लेटफॉर्म स्टेशन। ये हमारे भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे देखिए ये भीड़ है, सभी शायद रामेश्वरम दर्शन के लिए ही आए हैं। खास कर जैसे कि ये स्टेशन हमारे भारत के आखिरी स्टेशन है, और यहाँ पे हमारे भारत के बहुत सारे राज्य से ट्रेनें आती हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर बहुत सारे सरकारी बस, प्राइवेट बस और ऑटो टैक्सी, इस तरह की सुविधाएं हैं जहाँ आपको रामेश्वरम मंदिर तक ले जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पीपल है, अब हम भी किसी एक। तो दोस्तों फाइनली हमें बस में यहाँ उतार दिया, तो आप देखेंगे कहाँ फ्रेश होना है, फिर उसके बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर। यह मंदिर का वेस्ट गेट है, इस तरह के चार गेट है जो चारों तरफ से आप दर्शन के लिए जा सकते हो। तो चलिए फिर अंदर चल के प्रभु के दर्शन करते हैं। यहाँ वीडियोग्राफी मना है, तो फिर मैं कोशिश ही करूँगा। इस मंदिर के कॉरिडोर भारत के सबसे लंबे कॉरिडोर में से एक है। यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है, एक माता सीता ने रेत से बनाए हुए, और दूसरे जो श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ने। यहाँ पे लाइन से जाना होता है, और स्पेशल वो भी है, सुविधा भी है, जहाँ पे 100 या 200 रुपया आप खर्चा करेंगे तो आपको स्पेशल दर्शन के लिए मौका मिलेगा। तो हम लोग उसी पे गए, क्योंकि हमने यहाँ रहने के लिए एक लॉज बुक किया है, ये मिलन लॉज है। तो बाहर से पर्यटक आने वाले इसी तरह लॉज रूम या धर्मशाला में रहते, जिसके किराया बकाया ली जाती है कुछ अलग अलग, उस तरीके के अलग अलग ये रूम है। ये बाहर का नज़ारा, और ये हमारे अंदर के नज़ारे, और मेरे साथ मेरे जो दोस्त भी आए हुए थे जो यहाँ लेटे, एक अंदर प्रेस ये नीचे का है, यहाँ से मंदिर भी दिखाई देता है। तो फिर और बाकी जो दर्शन नज़दीक में और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल है, जैसे सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, और हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके। और सबसे पहले तो हम जाएंगे धनुषकोडी, जो हमारे भारत की आखिरी जगह है, और रास्ते पर पड़ता है विभीषण के मंदिर जो श्री राम जी ने। साइड में समुंदर का मज़ा लेते हुए हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हमारे दोस्त है मेरे दोस्त, और हम तीनों जा रहे हैं फिलहाल ऑटो से। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है श्री राम जी ने जब रावण को मार दिए थे, उसके बाद विभीषण को राज अभिषेक किया था इसी जगह पर, जो यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और ये है विभीषण मंदिर, ये धनुषकोडी जाते रास्ते पर ही
लगता है। तो ये समुंदर के नज़ारे हैं, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। ये हमारे भारत के आखिरी शहर यानी कि आखिरी जगह है। यहाँ के बाद 18-20 किलोमीटर दूरी पर ही श्रीलंका। तो बने रहे मेरे साथ आप लोग भी धनुषकोड़ी के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दोनों तरफ ही समुंदर है। एक तरफ हिंद महासागर है और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। ये साफ सुथरे पानी और यहाँ की लहरें भी बहुत तेज लहरें हैं। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ हमारे भारत के आखिरी जगह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य और रामनाथपुरम में है। यह है धनुषकोड़ी और यहीं पे प्रभु श्री राम जी ने यहीं से लंका जाने के लिए जो पत्थर के पुल बनाए थे और यहीं से शुरू होता है। ये जगह जिस तरह अनमोल है और उसी तरह से ये रोमांचक है और मुझे तो बहुत मज़ा आया और आप सब भी आ सकते हो और ज़रूर आना चाहिए। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। दोस्तों ये है हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के घर और धनुषकोड़ी से आते रास्ते पर ही आता है तो हम लोग यहाँ भी रुके थे। ये है उनकी घर जन्मस्थल। फिर उसके थोड़े ही दूर में यहाँ पे श्री प्रभु राम जी ने जो विश्राम किया था उस जगह पर भी मंदिर बनाया गया है और यहीं पे है सीता कुंड। ये गेट है, यहाँ से सीता कुंड की ओर जाते हैं। इसके बाद हम लोग गए लक्ष्मण कुंड, फिर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए जहाँ पानी पर तैरता हुआ पत्थर भी था। और क्योंकि हर जगह पे वीडियोग्राफी मना था इसीलिए मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप लोग को इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और यह है नटराजन मंदिर, महाराज नटराजन के। इसी तरह हमारा दिन भर का सफ़र समाप्त हुआ और हम आसपास के रामेश्वरम के बहुत सारे छोटे मंदिरों पर भी गए। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।